इसमें बहुत सारे साथी हैं, नितिन जी हैं, नवेद हामिद हैं, तमाम जो नेता जी को बुलाया था उन्होंने दी है। तो उसमें एक बात तो ये निकल कर आई है कि ये जो है हम लोगों को इस लड़ाई को थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा, और ये सम्मेलन के साथ जब तक चंद्रशेखर आजाद और बाकी दो लोगों को अगर सरकार एनएस से नहीं हटाती और दलितों को और आदिवासियों को और पिछड़ी जातियों को जिनके साथ मारपीट, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बाकी भी जो राज्य हो, जब तक ये मारपीट बंद नहीं होती है, अब ये लड़ाई गांव-गांव जाएगी, सड़कों पे लड़ाई लड़ी जाएगी, कानून की लड़ाई लड़ी जाएगी, कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी, सरकार और सरकार के मंत्रियों और जो अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक हैं, 134 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो हमारे बूते पर हमारे नाम पर चुनकर आते हैं, उनको बताया जाएगा यदि हमारे ऊपर अत्याचार अन्याय बंद नहीं होता है तो अगले चुनाव में कोई विधायक वापस विधानसभा में नहीं जाएगा, कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति का एमपी अगली बार संसद में नहीं जाएगा।